मिस्टेक्स, प्रॉब्लम और टेंशन, ये तीनों के साथ तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। हम लोग हमारे हॉबी में जाने अनजाने में कुछ मिस्टेक्स करते हैं और जिनके वजह से हमारे फिशेस को प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम तो उनको होता है लेकिन दिन भर टेंशन हम लोग पाल लेते हैं। दोस्तों, और एक बार आप लोगों को अशोक अक्वा में वेलकम, और वेलकम इसीलिए क्योंकि आज का वीडियो में आप सभी को एंड तक साथ में रहना है, क्योंकि फिर एक बार हम लोग वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला वीडियो लाए हैं। ये एपिसोड हम लोग हर बार हर महीने लाते हैं, क्योंकि हर महीने हर दिन हर वीक हम लोगों के पास आप लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियो आता है। थैंक्स टू यू कि आप लोगों ने हम लोगों पर भरोसा किया, और हम लोग कोशिश करते हैं, सबको शायद पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम ऑफ हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो हमको वीडियो भेजते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड इश्यूज लेके, तो उनको हम लोग रिप्लाई करने का कोशिश करते हैं। आप लोगों के वीडियो के वजह से आप लोगों को जैसे सोल्यूशन मिलता है, उसी तरीके से हर बार मैं आप लोगों का ही वीडियो यूट्यूब में दिखाता हूँ जो आपने आपका फिश का प्रॉब्लम लेके जो वीडियो भेजा था। इस बार इस वीडियो में भी मैं आप ही लोग का बहुत सारा वीडियो दिखाऊंगा, और उसके साथ बहुत सारा कमेंट्स भी आया हुआ था हमारे कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में, तो उसमें से कुछ कुछ कमेंट्स को भी हम लोगों ने लिया है जो इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो एंड तक जुड़े रहिए, और मुझे पता है एंड में जाने के बाद अच्छा लगता है, तो आप लोग तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिख रहा है कि एक एरोना एक्वेरियम के टॉप में स्विम कर रहा है। तो पहला तो है, एरोना टॉप में ही स्विम करता है, एरोना बॉटम फीडर नहीं है, वो बॉटम में ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन इसका जो स्विमिंग आप लोगों को दिख रहा है ये एबनॉर्मल है। हमारे कस्टमर ने हमको ये वीडियो भेजा था, और उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ, जब से उन्होंने उनका एक्वेरियम का मैक्सिमम वाटर चेंज कर दिया था। दोस्तों, यहाँ पे एक बात हम लोगों को सीखना है, कभी भी लिमिटेड पानी छोड़ के ज़्यादा पानी चेंज नहीं करना चाहिए। कभी कभार हम लोग करते हैं ना, 70% पानी चेंज कर दिया, 80% पानी चेंज किया, पूरा टैंक को खाली कर दिया, फिर से नया पानी देके फिश छोड़ दिया। पहले के वक्त ये सब होता था, लेकिन अभी ये नहीं होता है। हम लोगों को समझना पड़ेगा कुछ चीज़ कि एक्वेरियम में बैक्टीरिया बोल के कुछ चीज़ होता है। एक्वेरियम का पानी का वाटर लेवल एक पैरामीटर होता है, TDS, pH ये सब होता है। तो जब हम लोग पुराना जो फिश है पुराना वाटर में रहता है, तो वो एक बैलेंस वे में रहता है उसमें। अगर हम लोग एकदम से सारा पानी चेंज करके नया पानी दे दे, तो वो फिर उसमें अच्छे से स्विम नहीं कर पाता, क्योंकि पूरा वाटर का जो पैरामीटर है, पूरा लेवल सब बिगड़ जाता है। तो जब भी वाटर चेंज कीजिएगा, किसी से बात कीजिए जो इनका इनके बारे में जिसका नॉलेज है, या फिर हम लोगों से कम्युनिकेट कीजिए। यूं ही सडनली आपको लगा कि बहुत दिन साइफोनिंग नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा पानी आउट करके और फिर हम लोग नया पानी दे देते हैं, ऐसा गलती मत कीजिए। दोस्तों, ये और एक प्रॉब्लमेटिक वीडियो देखिए, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि आई पे इन्फेक्शन हो गया है ये फिश का, और आई जैसा बाहर निकल के आया है, तो इसको पॉपाई भी कहते हैं, और एक होता है क्लाउडी आई। तो ये जो पॉपाई हुआ है, आई एकदम बाहर की तरफ आ गया है, इससे शायद आप लोग बहुत सारे हमारे अभी व्यूअर्स हैं उनके साथ भी, शायद उनके फिश के साथ ये हो चुका होगा। तो यहाँ पे क्यों होता है, बेसिकली फंगल्स या बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत दिन तक अगर सही से मेंटेन नहीं किया जाए पानी को, तो वाटर पैरामीटर बिगड़ जाता है, जिसके वजह से ये इन्फेक्शंस होता है। लेकिन हमारे ये जो कस्टमर थे उनका पानी मेंटेन्स वे में था, फिर भी बहुत बार होता है कुछ पैरासाइट अटैक या सिमिलर कुछ प्रॉब्लम की वजह से इन्फेक्शन होता है। तो हम लोग बात करते हैं सीधा कि क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। देखिए, एक्वेरियम सॉल्ट से आप लोग ज़रूर इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर API का मेलाफिक्स आता है, मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, इससे भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट कर सकते हैं बैक्टोनिल से। डोजेस लगभग इसमें लिखा हुआ रहता है, फिर भी आप लोग जब परचेस करेंगे तब थोड़ा पूछ लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी सिमिलर टैंक में, जो टैंक में वो फिश दूसरे फिश के साथ था, उसी टैंक में ट्रीटमेंट मत कीजिएगा। इसको अलग से किसी जगह पे रख के, कोई हॉस्पिटल टैंक में डाल के फिर ट्रीटमेंट कीजिए। दोस्तों, आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्लावर हॉर्न,
और जो टैंक में है वो टैंक लगभग क्लीन है, एक स्पॉन्ज फिल्टर और एक टॉप फिल्टर है, फिर भी ये फ्लावर हॉर्न सडनली खाना बंद कर दिया। देखिए एक चीज़ पहले मैं बताता हूँ, ये फ्लावर हॉर्न है ना, ये मैन मेड फिश है, ये इसको वाइल्ड में नहीं पाया जाता, क्रॉस ब्रीड करके ये जो स्पीसीज का जन्म हुआ है, तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव फिश है, ऑल दो ये भी मॉन्स्टर ही है, एग्रेसिव है और हार्डी फिश है। क्या हुआ था दोस्तों, ये कस्टमर ने भी वही गलती किया था, बहुत दिन लगभग 1-1.5 महीना उन्होंने वाटर चेंज नहीं किया था, थोड़ा बिजी थे, लेकिन ये गलत बात है, आप जब कोई फिश ला रहे हो तो उसका ज़िंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका है, आप लोग कोशिश कर सकते हो, सही तरीके से चल सकते हो, आगे जाके फिश बीमार हो सकता है फिर भी वो अलग बात है, कम से कम आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपने अपना 100% एफर्ट दिया। तो जो भी है वो बिजी थे और 1-1.5 महीना उन्होंने ये वाटर को साइफोनिंग नहीं किया था और उनको लगा कि चलो एक साथ में कर देते सारा, तो वही गलती उन्होंने भी किया, सारा पानी एक साथ चेंज किया और जैसा मैंने ये वीडियो में पहले प्रॉब्लम में बताया, पूरा वाटर पैरामीटर गोलमाल हो गया और जिसके वजह से ये फिश ऑल दो हार्डी फिश है फिर भी ये सेम प्रॉब्लम में आ गया, खाना छोड़ दिया, एबनॉर्मल फ्लोटिंग कर रहा है ये सब। पर इसके बाद हम लोगों ने जैसा उनको बताया कि जैसा माइक्रोलाइव S2, स्ट्रेसिल, रॉक सॉल्ट हीटर ये सब का अरेंजमेंट करें, ये सब ज़रूरत है, तो वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसका अरेंजमेंट किया और उस हिसाब से अभी इसका ट्रीटमेंट भी चालू हो गया है। दोस्तों इस वीडियो में आपको एक एक्वेरियम के अंदर एक एरोना फिश दिख रहा है और ऊपर कुछ बॉल्स फ्लोटिंग कर रहा है, बच्चे जो बॉल से खेलते हैं वो बॉल्स। अब ऐसा क्यों किया गया है, ये एरोना का ड्रॉप आई का प्रॉब्लम है, ये देखिए, तो ये ड्रॉप आई के वजह से उन्होंने हम लोगों से कम्युनिकेट किया, तो थोड़ा सा छोटा साइज का बॉल्स के बारे में हम लोग बोले थे, तो तभी उनके पास जो था वो एक्वेरियम में दे दिया। प्रॉब्लम्स है तो उसका सोल्यूशन हम लोग ज़रूर ढूंढेंगे और उस पर काम करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्यों आता है, क्या रीज़न है, वो रीज़न को अगर हम लोग पकड़ लें तो जाके हमारे फिश ये या फिर इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आएगा भी तो हम लोग प्रिवेंट कर पाएंगे। दोस्तों YouTube में मेरा एरोना ड्रॉप आई सोल्यूशन बोल के एक वीडियो है, वहाँ पे जाइए, अच्छे से देखिए क्या क्या वजह है ड्रॉप आई का। आई होप आप लोगों को वो वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपका एरोना या सिमिलर फिश ड्रॉप आई प्रॉब्लम से बच पाएगा। दोस्तों प्रॉब्लम आगे भी है, आगे भी बहुत सारा वीडियो है जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा और उनका प्रॉब्लम शायद आपका प्रॉब्लम से मैच कर जाए, लेकिन अभी मैं रिटर्न आया हूं इसके लिए आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना है। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं अभी मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, ये शायद पहले कर चुके हैं या फिर अभी आप लोग ये करने वाले हैं, एक ही दिन में एक ही साथ फिश भी खरीदना है, मेडिसिन भी खरीदना है, खाना भी खरीदना है, फिल्टर भी खरीदना है और एक ही दिन सब कुछ इंस्टॉल करके फिश को छोड़ना है इन अ सेम डे, और जिसके वजह से बहुत सारा फिश डैमेज होता है, क्योंकि ये इंसिडेंट अभी भी रिपीट हो रहा है। कुछ दिन पहले हमारे पास हमारे कस्टमर आए थे और नए कस्टमर है और उनका सेम ये रिक्वायरमेंट था कि मुझे फिल्टर लेना है, मेडिसिन लेना है, फिश भी लेना है, क्योंकि वो अपने बच्चे के साथ आए थे। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा, जे इसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है, आपके बच्चे आपके घर पे जब चाहते हैं कोई फिश लाना तो आप जल्दी से चाहते हैं कि उनका ये विश फुलफिल हो, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे सबसे पहले जो दिमाग में रखिएगा, वो इमोशन से भी इम्पॉर्टेंट है एक फ़िश का लाइफ। तो आप लोग ये जो फिश हॉबी है ना, जो बिगिनर्स है स्पेशली, उनको मैं बताना चाहूँगा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। पहला पार्ट टैंक सेटअप, फुल्ली वाटर देके, फिल्टर देके, मेडिसिन देके, और सेकेंड पार्ट में फिश लाना। इसको कभी भी एक साथ में मैच मत कीजिए, क्योंकि ये कभी भी मैच नहीं होगा, ये मिसमैच हो जाएगा, तो इस पे ध्यान रखिए। जब भी कभी वेदर चेंज होता है आप देखिएगा, हम लोगों में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, मतलब इंसानों में हम लोगों को जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, सर्दी हो जाता है, मतलब जो टेम्परेचर एक से दूसरा हम लोग जा रहे हैं ना, वो टेम्परेचर जब बैलेंस नहीं होता है, बॉडी जब वो बैलेंस मेंटेन नहीं करता है तो वो डिसबैलेंस्ड हो जाता है। फिशेस का भी कुछ ऐसा ही है, विंटर से अभी समर सीज़न आ रहा है, मतलब एक वेदर से दूसरे वेदर, दोनों अपोजिट वेदर है,
तो इस टाइम अगर वाटर चेंज आप लोग ठीक से नहीं करेंगे तो ये जो मेरे दोस्त कम मेरे हॉबिस्टिक फ्रेंड है उनका यही प्रॉब्लम। एक्वेरियम को अच्छे से क्लीन करने के प्लानिंग में उन्होंने क्या किया, पूरा वाटर चेंज किया, मैक्सिमम ऑफ वाटर, और जिससे ये प्रॉब्लम हुआ। उनका कुछ फिश डैमेज भी हुआ, लेकिन जब हम लोगों से कम्युनिकेट किया तो हम लोगों से जितना बन पाए हम लोग उनको बताया। सबसे बड़ा अच्छा चीज़ उन्होंने जो किया, उन्होंने लेट नहीं किया, रात को ये इंसिडेंट हुआ उन्होंने सुबह गया और जो जो मैंने मेडिसिन बोला था विथ फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने वो सब मेडिसिन खरीदा, और जो फिश डैमेज होने वाला था वो फिश को उन्होंने रिकवर कर लिया। जो डैमेज हुआ वो हुआ, लेकिन जो डैमेज हो सकता था बाद में भी उन्होंने उसको सेफ कर लिया। दोस्तों, अगर हम लोग जहाँ से फिश ले रहे हैं वहाँ अगर हम लोग सही से इंक्वायरी नहीं करें कि मेरा इस साइज़ का टैंक है इसमें क्या ये फिश रहेगा कि नहीं, या फिर जो हमको फिश सेल कर रहा है उनका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो भी बताए कि ये फिश लेके जा रहे हैं कौन सा फिश के साथ डालेंगे, या फिर आपके पास टैंक साइज़ क्या है। ये दोनों चीज़ अगर हम लोग कम्युनिकेशन ठीक रहे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक छोटा सा एक्वेरियम है जिसमें बड़ा बड़ा सा फिश डाला हुआ जो एकदम ही इस एक्वेरियम में फिट नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा डेकोरेट किया हुआ है, नीचे ग्रेवल्स दिया हुआ है, और वो छोटा एक्वेरियम में ही बीमार जो फिश है जिसके वजह से कस्टमर ने हम लोगों के साथ कम्युनिकेट किया, सॉरी मेरे फ्रेंड यूट्यूब फ्रेंड ने कम्युनिकेट किया, तो उनको जब मैंने बोला कि उसको सेपरेट करके अलग जगह रखिए, मैं तभी उनका वीडियो नहीं देखा था, बट उन्होंने बोला मैं उसमें डिवाइडर लगा दिया हूँ। तो मसला है, एक तो छोटा टैंक है उसी में डिवाइडर, उसी में मेडिसिन, उसी में फिल्ट्रेशन, सब गलत। और सबसे बड़ा बात है कि जो इनको ये फिश सेल किया या मेडिसिन देने के लिए जिन्होंने बताया उन्होंने कुछ बताया ही नहीं कि मेडिसिन देने से पहले भी हम लोगों का कुछ काम रहता है, फिल्टर को ऑफ करना, फिश को ट्रांसफ़र करना, एक सही जगह पर रखना, थर्मोस्टर वगैरह, कुछ नहीं बताया। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे हॉबिस्ट दोस्त हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन फिश सिर्फ दुकानदार का नहीं है, आपका है, आप रख रहे हैं, तो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले 10 बार पूछिए, कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले अच्छे से जानिए, अदरवाइज़ आप कभी भी अपने फिश को रिकवर नहीं कर पाइएगा। ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देके हॉबी को कीजिए। दोस्तों, इस पार्ट में मैं अब आप ही लोगों का कुछ कमेंट्स लूंगा। जैसा मैं बताया था, इस वीडियो के पहले पार्ट में हम लोगों ने आप लोगों का वीडियो दिखाया और उसका सलूशन बताया कि वो प्रॉब्लम में अगर आप लोग आएंगे या मतलब आपका फिश आएगा तो क्या करना है, तो अभी हम लोग बताएंगे आपका कॉमेंट्स का कुछ आंसर्स। स्क्रीन पर देखिए जा रहा है, स्नेहांशु शेखर दास, उन्होंने पूछा है विल प्लेको लीव विदाउट एयर पंप, एयर पंप के बिना प्लेको रह सकता है कि नहीं, विल प्लेको लीव विदाउट एयर पंप, ये आपका सवाल है। तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक येस और नो से आंसर नहीं होगा, इसको थोड़ा एलेबोरेट मुझको करना पड़ेगा। आपके पास प्लेको है तो पहले ये देखिए ये कौन सा वैरायटी का प्लेको है। हम लोग प्लेको को एलिगेटर या सकर फिश भी बोलते हैं। तो अगर आप इम्पोर्टेड प्लेको की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपका वाटर साइफोनिंग सिस्टम सही है, आपका फिल्टरेशन अगर सही है और आपका वाटर पैरामीटर या वाटर क्वालिटी अगर सही है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका प्लेको बिना एयर पंप के रह जाएगा। लेकिन जो जो मैं बात बताया उनको ज़रूर आप ध्यान में रखिए तभी। नेक्स्ट जो कमेंट्स आया है उनका कमेंट्स था गोकुल धाम, वहाँ से उनका ये चैनल का नाम है। चिकलेट टैंक, चिकलेट जोनो टैंक साइज की चाय, बंगाली में उन्होंने पूछा है। चिकलेट जोनो भालो फिल्टर की, मतलब सिकलेट क्या उन्होंने बात कर रहे हैं, शायद अफ्रीकन सिकलेट्स के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो ये बहुत सारे दोस्तों का मेरा सवाल रहता है क्योंकि सिकलेट का सारा साल एक क्रेज़ रहता है। तो सिकलेट टैंक का अगर स्टार्टिंग आप लोग 2-2.5 फीट से शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी ऑफ सिकलेट उस पर ध्यान रखिएगा। और 2.5 फीट का टैंक ले रहे हैं, जो भी साइज़ का आप टैंक ले रहे हैं, स्टार्टिंग इफ़ यू स्टार्टिंग विथ 2.5 फीट या 3 फीट का टैंक से,
तो आप उसको थोड़ा सा आपको डेकोरेट करना पड़ेगा। और अगर फिल्टरेशन की बात करें तो ज़्यादा छोटा टैंक है तो उसमें ज़्यादा फ्लो मत दीजिए, टॉप फिल्टर एक ऐड कीजिए, एक स्पॉन्ज फिल्टर ऐड कीजिए, अगर आप कैनिस्टर फिल्टर ऐड कर सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट जो कमेंट्स है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उनका एक इंक्वायरी है। प्रदीप पाल, प्लीज़ मेक अ वीडियो अबाउट एक्वेरियम शॉप बिजनेस। ये सवाल मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे पूछते हैं, बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं जो चाहते हैं क्यों ना इसको एज अ बिज़नेस लिया जाए, तो मैं उनको हमेशा एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि आपने कभी ये इम्पोर्टेड फिश को एज अ हॉबी पाला है? अगर एज अ हॉबी पाला है तो आप धीरे धीरे उसको बिजनेस में कन्वर्ट कीजिए। उसके लिए हम लोगों को कॉल कीजिए, हमारा जो नंबर है विल डेफिनेटली गाइड यू। लेकिन ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो जनरल नॉर्मल जो इंडियन ब्रीड का फिश होता है जैसा गोल्ड फिश, मॉली, गुरामी, ये सब रखता था, उनको एरोना के बारे में, डिस्कस के बारे में, ऑस्कर्स के बारे में, पिकॉक बास के बारे में, स्टिंगरेस के बारे में, ये सब जो फिशेस है इम्पोर्टेड में इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है लेकिन वो बिज़नेस करना चाहते हैं। तो इन सभी दोस्तों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप एक बिजनेसमैन बनने से पहले आप एक अच्छा हॉबीस्ट बनिए। पहले एक साल खुद को टाइम दीजिए ये सब फिशेस के बारे में, ये सब फिश क्या खाता है, कैसे इसका रिकवर किया जाए अगर ये बीमार हो गया, वाटर चेंज कैसे होगा, कौन सा कम्युनिटी में एक साथ ये लोग रहेगा, मतलब कम्युनिटी कैसे ऐड करे, और भी बहुत सारा चीज़ है। तो बीइंग अ हॉबीस्ट आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा, फिर जाके आप एक साल बाद धीरे धीरे बिजनेस में कन्वर्ट होइए अगर आप कभी भी इम्पोर्टेड फिश एज अ हॉबी नहीं पाले हैं तो। नवनीता भागवती, उनका जो सवाल है, माई एक्वेरियम इज नाउ अ डेज ऑलवेज कवर्ड विथ एल्गी, वॉट टू डू, ऑल्सो सजेस्ट मी एल्गी ईटर फॉर गोल्ड फिश एक्वेरियम एंड सजेस्ट मी हाउ टू कीप माई टैंक क्लियर विदाउट एल्गी। तो देखिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक बात पहले भी इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। आपका जो एक्वेरियम है उसका फिल्ट्रेशन मुझको पहले जानना है कि क्या फिल्ट्रेशन है और कितने दिन बाद आप उसको मेंटेन करते हैं, मतलब साइफून, वाटर चेंज ये करते हैं। दूसरा चीज़ है आपका जो एक्वेरियम है उसमें क्या डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है? कभी कभार होता है कि हम लोग विंडो के पास रहते हैं या फिर हम लोग रूप में रखते हैं एक्वेरियम को, तो डायरेक्ट सनलाइट से भी एल्गी का एक प्रॉब्लम आता है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप पहले मुझे अपना एक्वेरियम का वीडियो दीजिए, वो वीडियो को मैं देखूँगा भी और कोशिश करूँगा मेरे किसी एपिसोड में वो वीडियो दूसरे भी जो व्यूअर्स हैं उन लोगों को भी दिखाने का कि ये प्रॉब्लम था, इसको ऐसे रिकवर किया जाए। नेक्स्ट कमेंट से अश्मित चौधरी के तरफ से। अश्मित, मैं आपका कमेंट्स इससे पहले भी बहुत बार देखा हूँ, आप नॉर्मल कमेंट्स भी करते हैं, थैंक्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे टीम को सपोर्ट करने के लिए। तो उनका जो सवाल है, दादा मालावी सिकलेटर साथे पैरोट फिश रखते पर वो हमारा 3 फुट एक्वेरियम, ये मैं थोड़ा हिंदी में भी बोल देता हूँ, उनका पास 3 फीट का एक्वेरियम है, वो मालावी के साथ पैरोट रखना चाहते हैं। ये इम्पॉसिबल है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि पैरोट भी एक सिगलेट का ही एक वैरायटी है, लेकिन मैं एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि आज के डेट में मालावी का इतना ज़्यादा वैरायटी आ रहा है, आप अगर सही तरीके से थोड़ा रॉकी लुक्स करके टैंक को डेकोरेशन करके सिर्फ अगर मालावी ही रखें ना तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा, इतना वैरायटी आ रहा है। आप पैरोट ऐड कर सकते हैं लेकिन पैरोट ऐड करने के टाइम आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पैरोट ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो फिर वो जाके मालावी को चेस करेगा। दोस्तों ये जो कारवा चल रहा है ना हेल्प का, ये हेल्प हम लोग और अच्छे से कर पाएंगे जब आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। आप लोग जैसे आपका प्रॉब्लमेटिक वीडियो हमारे पास भेजते रहते हैं, वो भेजते रहिए क्योंकि आपके वजह से और भी सामने 100, 50, 200, 1000 आदमी का हेल्प हो जाएगा। सो हम लोग ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट मिले तो। और आप लोगों का कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, फिश का हो, फूड का हो, मेडिसिन का हो, तो हम लोग हमेशा ये दो नंबर स्क्रीन पे देते हैं,
इस पर कम्युनिकेट कीजिए, हम लोग आप लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे और आपका फिश फूड मेडिसिन कैसे आपके पास पहुंच जाए उसका भी पूरा ध्यान रखेंगे। सबाई खूब भालो थाकबें, देखा होबे नेक्स्ट वीडियोते, नमस्कार।